इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं भारती, ये गोल्ड इतना गिरा हुआ आदमी है, हमारी सेजल को कुछ हो जाता तो। पापा प्लीज, अम्बा जी से कुछ मत कहिए। लेकिन अब क्या होगा, क्या करेंगे हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, परिवार का मामला है इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना पड़ रहा है। अगर बात ऑफिशियल होती ना तो सीधा उसकी हेड ऑफिस में कंप्लेंट करते ना, या फिर नौकरी। नहीं, तू इस्तीफा नहीं देगा, तुझे गोल्डी से भागने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तो वो खुद सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होगा। पुत्र, वो नैनीताल में ठंड बहुत होगी तो गर्म कपड़े ले जाना, और हेतल से कहना कि शॉल या किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझसे ले ले। चाची जी आप चिंता मत करो, जरूरत की सारी चीजें हैं उसके पास। ये क्या तरीका है बात करने का? पीठ पीछे पापा जी से मेरी बुराई करने का तरीका भी सही नहीं है, और बच्चों से उम्मीद करने से पहले बड़ों को खुद बर्ताव करना सीख लेना चाहिए। सुना तूने? सुना इसने क्या कहा? विमी है, इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, इसका काम अलग करना होगा। तुसी की कह रहे हो? तुसी बंटवारा करना चाहते हो? बंटवारा मैं नहीं, वो चाहता है। कई रातें जाग कर काटी हैं मैंने तुम्हारे लिए, उम्र भर इसी तरह जागना है तुम्हें। एक बहुत अच्छी खबर है, चाचा जी और करमवीर जी का टेंडर पास हो गया, अनुकल ने लेटर भेजा है। अरे वाह चाचा जी, मुबारक हो, ये तो बड़ी चंगी खबर है। थैंक यू पुत्र। चाचा जी मुझे गोल्डी को बताना पड़ेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर मिलता है। अरे गजब हो गया भाई, चाचा जी का टेंडर पास हो गया है, अनुकल ने लेटर भिजवाया है। हाँ मुझे पता लगा, लेकिन क्या है कि मामला भी थोड़ा सा पेचीदा है। मतलब गोल्डी? मतलब अभी रिएक्ट मत करना, सब लोग परेशान हो जाएंगे। मिलूंगा तो बताऊंगा, ठीक है? ओके। भारती आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ तो बताओ। गोल्डी वो है नहीं जो दिखता है, वो हमारी जिंदगी में मोना से बदला लेने के लिए आया है, और उसने अपना हथियार बनाया हमारी सेजल को। मैं जानती हूं कि मेरी बात पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन यही सच है। गोल्डी ने अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर लिया। सबसे पहले उसने अनुकल्प से दोस्ती की, कम से कम सेजल को तो बता देती। अरे उसके साथ कुछ हो जाता तो। कहा तो था मैंने इसको, पर मानी कहां ये मेरी बात, चली गई उसे मिलने। अरे तू इतनी बड़ी हो गई कि मोना के मना करने के बावजूद उस दुष्ट बुद्धि से मिलने चली गई, और वो भी अपने अम्बा जी से झूठ बोलकर? तुझे शर्म नहीं आई? अब बस नहीं कर दक्षा, जब हम सब इतने अनुभवी होकर भी उस गोल्डी का असली चेहरा पहचान नहीं पाए तो ये तो बेचारी बच्ची है। पापा, पापा, I'm really sorry. जो भी करेंगे हम लोग करेंगे, है? एक और परेशानी है, वो अनुकल्प के अकाउंट में ना 10 लाख से ज्यादा रुपए हैं। फिर इतने पैसे आए कहां से? आज जब मैं बैंक उसके अकाउंट से पैसे निकालने गई तो मुझे पता लगा। समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था भाई को। अरे वो भूल गया होगा, अभी उसे फोन लगाओ। मैंने फोन किया था लेकिन लग नहीं रहा। अरे हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते, ये गोल्डी की नीयत अच्छी नहीं है, हमें जल्द से जल्द अनुकल्प को ऑफिस जाने से रोकना चाहिए। लेकिन अब तक तो अनुकल्प ऑफिस पहुंच भी गया होगा।